सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोन कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। कितना गंदे तरीके से टूटा हुआ था और अभी ब्रांड न्यू कंडीशन में आ चुका है हमारा फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज मैं आप लोगों के सामने एक वन प्लस का फ़ोन लेकर के आया हूँ जो कि कम्प्लीटली डैमेज है, बहुत गंदे तरीके से टूटा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं बैक कंडीशन इसकी एकदम फ्रेश हो गई है। बैक पैनल जो इसका बीच वाला जो मिडल फ्रेम है वो बैंड हुआ है और इसका डिस्प्ले कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। आप लोग देख सकते हैं एकदम टुकड़े टुकड़े में टूट चुका है। कस्टमर आई थिंक इसको ज़ोर से पटका हुआ है, इसकी वजह से इतना डैमेज हुआ है। इसका एक एक पेपर देखिए ओपन हो रहा है, ये IPS LCD या TFT LCD करके आता है ये, इसकी वजह से इसका एक पेपर ऐसा ओपन हो जाता है। एमोलेड स्क्रीन होता है तो ये ऐसा ओपन नहीं होता, वो पूरा कांच आता है। ये वन प्लस का नॉर्ड C2 लाइट आई थिंक कुछ तो मॉडल है इसका। मैंने इसका मिडल और डिस्प्ले मंगा लिया हूँ क्योंकि फ़ोन चार्जिंग लगाने पे वाइब्रेट कर रहा था तो डाउट था कि फ़ोन ऑन रहेगा, तो मैंने इसका डिस्प्ले और मिडल मंगा लिया हूँ। तो चलिए इसको मैं फटाफट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि असेंबल डिसेंबल करने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो मैं थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इसको हम लोग फटाफट ओपन कर लेते हैं। आप लोग देखिए मैं कैसे इसको पूरा कम्प्लीटली रिस्टोरेशन करता हूँ। सो अभी इसको मैं पूरा ओपन करने से पहले एक मरतबा इसका मैं डिस्प्ले लगा के चेक कर लेता हूँ कि फ़ोन में डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने को पहले क्रॉस चेक करना पड़ेगा, वरना बिना चेक किए अगर मैं डिस्प्ले फिटिंग कर दूँगा तो डिस्प्ले फिर मार्केट में रिटर्न नहीं होता है। देखिए फ़ोन ऑन हो गया है, इसका मैं टच चला के चेक कर लेता हूँ, टच भी चल रहा है। पासवर्ड कस्टमर के पास है तो उससे मैं ले नहीं सकता क्योंकि सिक्योरिटी होती है, बैकअप होता है कस्टमर का। इसमें टच पूरा प्रॉपर चल रहा है, तो अभी मैं इसको कम्प्लीटली दूसरे फ्रेम में शिफ्ट कर देता हूँ। इसका जो भी पार्ट्स है, मदरबोर्ड बैंड हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो में हो सकता है उतना ना दिखाई दे बट मदरबोर्ड क्रॉस हुआ है। कस्टमर का इसमें डेटा इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से कस्टमर खर्चा कर रहा है, वरना मैंने कस्टमर को मना किया था क्योंकि ये बैंड फ़ोन है तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम दे सकता है ये, क्योंकि प्लेट अगर लिमिट से ज़्यादा अगर बैंड हो जाती है तो फिर वो इन फ्यूचर वो रिटर्न डेड हो सकता है या फिर लोगो हैंग हो सकता है फ़ोन। बट कस्टमर का डेटा इंपॉर्टेंट है तो कस्टमर बोला मेरे को बना के चाहिए। तो हम फटाफट इसको रिमूव कर लेते हैं, फिर नए वाले फ्रेम में लगा करके पैक करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ मैं।
सो गाइस, हमारा फ़ोन रेडी हो चुका है। ये रबड़ इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि डिस्प्ले को ग्लू से चिपकाना पड़ता है, तो ग्लू चिपकने के लिए 1 घंटे का टाइम जाता है। सो हमारा फ़ोन रेडी हो चुका है। डिस्प्ले ग्लू इसके बैक पैनल पे भी लग गया था, तो इसको हम फटाफट क्लीन कर लेते हैं। चलिए ऑन करके देख लेते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास हमारा फ़ोन चल रहा है। मैं पासवर्ड ओपन करके आप लोगों को नहीं चेक करा सकता क्योंकि कस्टमर का इसके अंदर डेटा है। सो आप लोग देख सकते हैं, ये वही फ़ोन है जिसको अभी मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको दिखाया किस तरीके से डैमेज हुआ था। सो अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा डैमेज या एक्सीडेंटल फ़ोन रहेगा तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और अपनी इंस्टा आईडी की लिंक दे दूंगा, आप मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।